हेलो गाइस, आज का वीडियो में कोई अपडेटेड न्यूज़ नहीं है, किसी महामारी की बात भी नहीं है। आज का वीडियो एक ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, एक ज़रूरत हमारी और एक ज़रूरत उस इंसान की जिसको आपके साथ की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनसे आपका मिलना रोज़मर्रा की लाइफ में होता है, वो लोग जिनकी मेहनत से आपको छत मिली, वो लोग जिनकी मेहनत से आपका बिजनेस बढ़ा, वो लोग जो आपके घरों को साफ रखते हैं, वो लोग जो आपके काम से अपने काम तक को छोड़ देते हैं। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, जिन्हें आप मजदूर कहते हैं, मेड कहते हैं, कारीगर भी कहते हैं, ये वही लोग हैं। ये लोग भी आपकी हमारी तरह कमाते हैं, मेहनत करते हैं, पर इनकी इनकम बहुत कम होती है। तो भाइयों, मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप इन लोगों का ध्यान रखिए। मैं किसी भी डोनेशन फंड में दान देने की अपील नहीं करूँगा, मैं बस इतना कहूँगा कि ये लोग भी आपकी हमारी तरह मेहनत से कमाते हैं। ये अपने घरों में भूखा सो लें पर शायद अपना दर्द आप तक ना पहुंचा पाएं। तो प्लीज़ आगे बढ़कर इन लोगों की ज़रूरतों को समझें और कोशिश करें कि आप इन ज़िंदगियों को बचा सकें। अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो अपने कॉलोनी मेंबर्स के साथ मिलकर इनकी ज़रूरतों को पूरा करें। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपको लगता है कि उससे मिलने वाले राशन की आपको ज़रूरत नहीं है, तो अपने राशन कार्ड का राशन उन्हें दान दें। दान करते समय अपने द्वारा दी जाने वाली सामग्री को कम या ज़्यादा के भाव से ना तोलें। अगर आप एक नमक का पैकेट भी किसी को दान दे रहे हैं तो शायद आपके दान से आज उसे अपने खाने में स्वाद मिल सके। अगर आपके आसपास कोई गरीब मजदूर नहीं है, राशन कार्ड से राशन की सुविधा भी नहीं है, तो अपने दान को अलग से उठाकर रखें। शायद इस महामारी के ख़त्म होने के बाद देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण ना जाने कितनों के हाथ से आमदनी के जरिए छिन जाएं। दान करते समय अपनी और अपने मजदूर भाइयों की स्वच्छता और स्वस्थता दोनों का पूरा ध्यान रखें। थैंक यू। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सेव लाइव्स।